जी हाँ, क्या आपको पता दोस्तों कि भारत देश के अंदर लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने 21 दिन का देश में लॉकडाउन किया हुआ, राइट? और वो लॉकडाउन ठीक 14 अप्रैल 2020 को समाप्त होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो 14 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है? देश में क्या नई व्यवस्थाएं चालू होगी? क्या नए नियम, नए कानून, कायदे लागू होंगे? क्या वापस मार्केट, बाजार, दुकानें वगैरह सब कुछ वैसे ही खुल जाएंगे जैसे लॉकडाउन के पहले थे? या फिर क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो कि लॉकडाउन के पहले बाजार में था और अब नहीं होगा? आइए दोस्तों जानते हैं इस थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट को थोड़ा विस्तार से। अभी का लाइव बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बाद बनाई एक रणनीति। जानिए आखिर क्या है उनका प्लान। तो दरअसल दोस्तों इस सप्ताह की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों से लॉकडाउन के बाद की रणनीतियों पर काम करने को कहा। दरअसल आपको पता होगा कि पिछले सप्ताह में ही पीएम मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इसके अलावा हमारे देश में खेल जगत से जुड़े दिग्गज खिलाड़ियों से, क्रिकेटरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, राइट? और ऐसे में अब दोस्तों उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंप्लीट की है और इस मीटिंग में कई बड़े बड़े दिग्गज मंत्री लोग भी शामिल हुए हैं। और इसमें इस बात पर, इस टॉपिक पर चर्चा हुई दोस्तों कि आखिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से कोविड-19 यानी कि ये कोरोना का असर जो दुनिया भर में चल रहा ना, इसका अर्थव्यवस्था पर जो बुरा असर पड़ा उसको कम कैसे किया जाए, इस टॉपिक पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने मंत्रालयों को एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बीसीपी बनाने को भी कहा है। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वो एक इंडेक्स भी तैयार करे कि कैसे उनके काम से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। यानी कि दोस्तों पीएम मोदी जी का ये कहना है कि एक ऐसी इंडेक्स तैयार की जाए देश में जिससे कि ज्यादातर चीजें मेक इन इंडिया की ही हो, ताकि भारत के अंदर रोजगार बढ़ेंगे। इससे भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वर्कर्स, मजदूर, कामगार लोगों को काम मिलेगा और इससे देश की इकोनॉमी को वापस लेवल पर लाने में भी मदद मिलेगी। और साथ ही ये भी पॉइंट पर जोर है दोस्तों कि मेडिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। सबसे पहले धीरे धीरे उन डिपार्टमेंट्स पर फोकस किया जाए जो कि कोविड-19 के लिए हॉटस्पॉट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा दोस्तों कि इस संकट से हमें मौका मिला कि हम मेडिकल स्टोर्स में आत्मनिर्भर बने। यानी कि दोस्तों अभी भी हमारे देश में कई सारी ऐसी दवाइयां वगैरह हैं जो कि हम आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो पीएम मोदी जी का कहना कि वो सब चीजें भारत में ही मैन्युफैक्चर करो, उनका सबका प्रोडक्शन भारत में ही शुरू करो, ताकि भारत में फैक्ट्रीज लाइन में भी बढ़ोतरी होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, मेक इन इंडिया बनेगा तो एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी पर सीधा पॉजिटिव सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। और दोस्तों पीएम मोदी का कहना है दोस्तों कि इस संकट के मौके पर इसी को हथियार बनाया जाए और मेडिकल सेक्टर को आत्मनिर्भर किया जाए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी जी का ये प्लान है कि लॉकडाउन को खोला तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों एकदम से खोल दिया जाएगा। 14 तारीख तक बंद और 15 से सब कुछ वापस वैसा जैसा आपको एक साल पहले लगता था वैसा नहीं मिलेगा। हालांकि 14 के बाद लॉकडाउन खुल सकता है या फिर वापस बढ़ भी सकता है। ध्यान रखिएगा अभी तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो प्री प्लानिंग चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं। तो वो ऐसे हैं दोस्तों कि पीएम मोदी जी का ये प्लान है कि 14 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तो उसको स्लोली खोला जाए। पहले उन जगहों के लॉकडाउन को हटाया जाएगा जहां पर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स कम है, या यूं कहें दोस्तों तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या या तो कम है या तो न के बराबर है। उन जगहों से पहले लॉकडाउन को खोला जाएगा और वो भी धीरे धीरे, यानी कि सबसे पहले अत्यावश्यक चीजों की सप्लाई हो सके उन्हीं दुकानों को, उन्हीं केंद्रों को खोला जाएगा, जैसे कि दूध, सब्जी, राशन की दुकानें वगैरह, इनको लॉकडाउन से बाहर किया जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे बिजनेसेस, काम धंधों को लॉकडाउन से हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सभी को एक साथ हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। पीएम मोदी जी की प्लानिंग है दोस्तों कि स्लोली धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाए, ताकि लोग बागों की भीड़ भी एक जगह पर इकट्ठी ना हो और लोगों की जरूरतमंद चीजों की सप्लाई भी पूरी हो सके। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये वाकई में पीएम मोदी जी की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा भी लॉकडाउन लगाना भी जरूरी था देश में, क्योंकि इसके बगैर हम इस दुनिया में चल रही इस बीमारी पर कंट्रोल भारत में शायद नहीं बना पाते और आज भारत बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन पर चला जाता अगर सरकार समय रहते लॉकडाउन और दूसरी व्यवस्थाएं नहीं करती तो। समझ रहे होंगे ना आप, इसीलिए प्लीज 14 तारीख तक जब तक लॉकडाउन अवेलेबल है, 6-7 दिन 8 दिन और, तब तक प्लीज आप अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा भी दोस्तों राज्यों और जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में मंत्री लोग रहें, ये बात भी कहना है पीएमओ कार्यालय की तरफ से। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोस्तों मोदी ने मंत्रियों की लीडरशिप को सराहा है और कहा कि उनके द्वारा लगातार फीडबैक मिलने से ही कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीतियां बनाने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत जरूरी है कि सभी लीडर्स राज्यों और जिला प्रशासन से लगातार एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहें, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रहें। और दोस्तों इस बीमारी से हॉटस्पॉट वाले राज्य जो है, जिला प्रशासन जो है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही कालाबाजारी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा दोस्तों कि सुनिश्चित किया जाए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सेंटर्स पर भीड़ जमा न हो और बेहतर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, लोगों से
शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लिया जाए और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को रोका जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद आने वाले समय में व्यापक रणनीति बनाना भी अनिवार्य है। और अभी भी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा हुआ है इस दौरान कई लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं, जैसे कि गेहूं का आटा चाहिए तो 40 रुपए किलो, जबकि पहले वो 20-25 का ही बेच रहे हो, लेकिन अभी क्योंकि ब्लैक में देना है ना उनको, तो इन चीजों पर भी रोक लगाई जाए। प्रशासन को पता करना चाहिए ये चीजें भी। और साथ ही दोस्तों पीएम मोदी जी का ये भी कहना कि अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर काम करना होगा। अभी जो देश में इस बीमारी की वजह से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा ना, उसके असर को खत्म करने के लिए सरकार को बड़े लेवल पर कदम उठाने होंगे। सभी मंत्रियों को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तैयार करना होगा। बता दें कि 24 मार्च से देश भर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि 14 अप्रैल को खत्म होने वाला, और 14 अप्रैल के बाद और सरकार क्या नए नियम कानून कायदे लागू करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे।